नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि हमारे जीवन में हमें धन का सुख कब मिलेगा, धन का सुख कितना है, और इस संदर्भ में वो कई बार एस्ट्रोलॉजिकल परामर्श भी लेते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन गुरु रहस्यों के बारे में बताऊंगा ताकि आप ये समझ सके कि धन का संबंध आखिर बनता कैसे है। देखिए, सेकंड भाव जो होता है वो हमारा होता है धन का, लेकिन साथ में वो कुटुंब का भी है और वाणी का भी है। यानी यदि इसको आप डिटेल में समझेंगे तो धन के साथ साथ वाणी और कुटुंब, ये दो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर धन की कमी है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी भी खराब होगी और कहीं ना कहीं आपको आपके कुटुंब का साथ भी नहीं मिलेगा। यदि हमें अपने जीवन में धन का सुख चाहिए तो फिर क्या करना होगा? अगर आप इस चीज को डिटेल में समझेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। अगर धन चाहिए तो वाणी का संयमित होना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी वाणी से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्रोध करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो निश्चित मानिए धन भी आपके पास में नहीं रहने वाला है। क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत यह कहता है कि सेकंड भाव अच्छा होगा तो धन का सुख मिलेगा, और सेकंड भाव अच्छा होगा तो वाणी भी अच्छी होगी, और सेकंड भाव अच्छा होगा तो कुटुंब का सुख भी मिलेगा। अब कोई व्यक्ति धन का सुख तो चाहता है लेकिन वाणी अपनी खराब रखेगा तो ये संभव कैसे है? ये तो वही बात हो गई कि मैं बारिश में भीगना भी चाहता हूं, नहाना भी चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं कि मेरा शरीर गीला ना हो। ये कैसे संभव है? इसलिए यदि हम धन का सुख चाहते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसका सीधा सीधा संबंध हमारी वाणी और हमारे कुटुंब से भी है। बहुत से लोग अपने कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, या एक परिवार के अंदर जो लोग रहते हैं, या एक बिल्डिंग के अंदर आपके परिवार में जो लोग रहते हैं, आपके चाचा चाची, ताया ताई, या आपके पिता दादा दादी, या आपके छोटे भाई वगैरह, जो भी लोग आपके साथ रहते हैं कुटुंब उनको कहते हैं। अब यदि आप धन चाहते हैं और कुटुंब के लोगों से बैर रखेंगे तो धन का सुख आपको नहीं मिल सकता। एक कॉम्बिनेशन है ये, वाणी का और धन का एक कॉम्बिनेशन है। जितने लोग मधुर भाषी होते हैं उनके जीवन में धन की उतनी ही अधिकता रहती है। आपने किसी मृदभाषी को, अच्छा बोलने वाले को, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन को कभी आपने गरीब देखा है? आप कभी नहीं देखेंगे। जिसकी वाणी मधुर है, जो मीठा बोलता है, जो बहुत बढ़िया बोलता है, वो जीवन में कभी भी धन से वंचित हो ये संभव ही नहीं है। और आपने क्या कभी ऐसे लोगों को देखा है जो गाली गलौज करने वाले हैं, अपशब्द बोलने वाले हैं, और उनके पास आपने धन का सुख देखा हो? आप कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है। लेकिन दोस्तों, एक होता है धन का सुख, एक होता है कर्जा लेकर के भी धन का सुख भोगना। ऐसे लोग जो गाली गलौज करने के बाद भी अगर धन का सुख लेके बैठे हैं तो वो लोग अपनी वाणी की वजह से नहीं बल्कि अपने कर्म की वजह से ऐसा कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या चोट पहुंच रही है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, और वो गलत रास्ते से भी पैसा कमाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैं यहां पर शामिल नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो धन का सुख चाहते हैं लेकिन अपनी वाणी को संयमित नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी धन का सुख नहीं मिलता है। अब एक और चीज समझिए, इसका एक संबंध और बना, वो क्या? अगर हम अपने घर के अंदर क्लेश करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो घर में कभी भी धन का सुख नहीं आ सकता,
क्योंकि कुटुंब भी कहीं ना कहीं हमारा परिवार होता है। तो ऐसे लोग जो रोज घर में झगड़ा करते हैं किसी भी बात पर, चाहे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता हो, चाहे माँ बेटों के बीच में होता हो, चाहे और किसी के बीच में होता हो, किसी भी बात को लेकर के, चाहे ये सब्जी क्या बनाई है घर में, खाना ये क्या बनाया है, आपने मेरा काम ये नहीं किया, या जो भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, निश्चित मानिए आप झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप अपने धन का व्यय कर रहे हैं, संपत्ति का व्यय कर रहे हैं। आपके जीवन में कभी भी धन का सुख नहीं आ सकता। तो जरूरत आपको ज्योतिष परामर्श के साथ इन चीजों को भी समझने की है कि यदि हमें धन का सुख चाहिए तो उस घर से संबंधित बाकी रिश्तों को, बाकी चीजों को भी ठीक करना पड़ेगा, खाली एक चीज से काम नहीं चलेगा। इसलिए अपनी कुंडली के आधार पर ये समझने से पहले इस चीज को समझिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी बदल नहीं सकती, जैसे वाणी का और धन का, दोनों का संयोग कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक घर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जितने मधुरभाषी बनेंगे, जितने विनम्र बनेंगे, जितनी बढ़िया बोली आप बोलेंगे, जितने बढ़िया शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही जीवन में आपके धन भी आता चला जाएगा। आपको धन की फिर कभी कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये जरूर पता लगा होगा कि सेकंड भाव धन का तो है ही, लेकिन साथ में वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए दोनों में से किसी भी एक चीज को छोड़ देंगे तो दूसरी चीज आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपनी वाणी को भी मधुर बनाइए, प्रेम से लोगों से बात कीजिए, आपके जीवन में धन की फिर कभी कमी नहीं आएगी। तो यही संबंध हमारा कुंडली के आधार पर बनता है, वाणी का और धन का, जिसके बारे में मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उपाय करते हैं धन की प्राप्ति के लिए, लेकिन वाणी को संयमित नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, और फिर कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो आज आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके इस प्रश्न का जवाब जरूर मिला होगा कि यदि धन का सुख चाहिए तो वाणी को भी सही करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।